इंडिया की तरफ जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, हम खुद पैदा कर सकते हैं लेकिन हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट बिल को बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं मोदी साहब पैगाम भेजेंगे? मेरे ख्याल में आप पैगाम की बात कर रहे हैं, मुझे मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए और मेरा ख्याल है करेंगे। सैलाबी रेलों ने देहातों के देहात मलियामेट कर दिए। इस मुल्क पे इतनी सारी बलाएं टूटी हैं, इतने सारे क्या कहूं मैं अब आफात आई हैं। मुश्किल वक्त है और जहां पे हम दुनिया के हर मुल्क से अगर सपोर्ट ले रहे हैं और अगर भारत भी करना चाहे तो जरूर, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है, ह्यूमैनिटी का मसला है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? जो दुनिया के ममालिक में पैसा देंगे, सऊदी दें, कतरी दें, चाइनीज दें, यूएई दें, आईएमएफ दें, वो देखते नहीं होंगे भाई साहब आपके पास वो पहले पैसे नहीं है, हमसे अरबों डॉलर लेके जा रहे हैं, ये वापस कैसे करेंगे? कौम जो है ये पैसे देने को तैयार नहीं है, खुद को हम करने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं दुनिया जो हमें मुफ्त में बांट। तो दोस्तों आपने छोटा सा वीडियो देखा, यहाँ पर पाकिस्तान में आपको पता है फ्लड्स आए हैं और बहुत ही भयानक दृश्य हैं, आप माने ना माने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस समय हालत ख़राब है। और पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो डैम वगैरह हैं वहाँ पर है नहीं, सारे लोग ऐसी जगह पर बसे हैं, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ऐसा कुछ होगा। तो पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसके बाद पाकिस्तानी उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत की तरफ से भी कोई मदद आएगी, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ये मदद स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं कुछ बात, प्लीज़ शेयर करें। चाहिए क्योंकि वो ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली अवाम तो दोस्त है, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, हमारी तो बड़ी दोस्ती है लेकिन भारत की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, ना किसी किस्म की सपोर्ट का मैसेज आया, ना नरेंद्र मोदी साहब ने कोई पैगाम भेजा कि जी सैलाब आए हैं हम कोई सिंपथी शो करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे, आपकी भारत की टीम ने अगले दिन पाकिस्तान के सैलाब के साथ यकजहती के लिए बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी हुई थी और मैं मुझे बड़ा उससे अच्छा लगा कि कम से कम, और मैं समझता हूं कि देखें भारत के साथ ये सारा ये उधर से इधर ये सारा एक पॉलिटिकल ड्रामा है, देखें वरना हम एक ही लोग से सदियों से यहाँ रह रहे हैं, ये इसके पीछे जब भी भारत के खिलाफ बात करनी या भारत के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी और होती है, वरना हम लोग सदियों से सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे यूनाइटेड इंडिया में। हाँ, टू नेशन थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी को कभी तकवीत मिल जाती है, कभी उसके कुछ ओपिनियन हो जाती है, लेकिन आप मैं जिस तरह आपको कई दफा अर्ज करता हूँ कि इंसान पहले पैदा इंसान होता है, बाद में उसका मजहब डिसाइड किया जाता है। आप मुसलमानों के घरों में पैदा हुए तो मुसलमान है, हिंदुओं के घरों में पैदा होते हैं तो आप हिंदू हैं, वरना कौन सी आपने रिसर्च कर करके अपने मजहब चुने हैं, जिस तरह यहाँ पे जापानी हैं, गोरे चुनते हैं, तो उसके पीछे हमारी सेंटीमेंट्स होते हैं, उस पर हमारे इधर से मौलवी होते हैं वो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उधर से दूसरी साइड से भी मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन इसको सिर्फ लिमिटेड हद तक रखना चाहिए। इंसानियत के लिए मैं समझता हूँ कि उसका ज्यादा हमें लिहाज होना चाहिए और मेरे ख्याल में 21st century में खासकर पैगाम भी भेजेंगे और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मदद भी की जाएगी। मेरा जहां तक मेरी जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ वॉशिंगटन डीसी में, जो मेरी नजर में पाकिस्तान की मदद भी करेगी। बिल्कुल सही है, ये मुश्किल वक्त है और जहाँ पे हम दुनिया के हर मुल्क से अगर सपोर्ट ले रहे हैं और अगर भारत भी करना चाहे तो जरूर, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है, ह्यूमैनिटी का मसला है, यहाँ पे अना और वो उन चीजों को साइड पे रख देना चाहिए। एक वक्त था भारत में भी इस तरह हालात खराब थे, पाकिस्तान ने भी ये भेजने की कोशिश की थी लेकिन इंडिया ने नहीं ली थी, पूरी दुनिया से इंडिया ने ले ली थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें पॉलिटिक्स और इन चीजों से पीछे हट जाना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। तो सिखा दी है और उन एक दो चीजों के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक खुद कफील नहीं होंगे तो फिर आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो किसी जमाने में बड़ा नाज किया करता था कि हमारा इरिगेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा एग्रीकल्चर है, ज़राअत हमारी इतनी आउट क्लास है कि हम लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। कम अज कम आज पॉइंट ये आ गया है कि हम लोग जो चीजें एक्सपोर्ट किया करते थे आज वो इंपोर्ट करने के ऊपर जो है वो मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान की कुछ एक्सपोर्टेड क्रॉप्स या जो क्रॉप्स एक्सपोर्ट होती हैं उसके अंदर से राइस, वीट और कॉटन हुआ करती थी, आजकल हम वीट इंपोर्ट करने के ऊपर
जो है वो मजबूर भी हुए। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों के अंदर देखा कि हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के बाद वीट इंपोर्ट करनी पड़ी। सूरत हाल यहाँ आ गई है कि हम लोगों का जो 70% आबादी जिस शोबे से ताल्लुक रखती है, हमने उस शोबे को बिल्कुल कोने से लगा दिया है और हम सिर्फ सियासत पर बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। ये नहीं सोचते कि खाने को दाने नहीं होंगे तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पेट नहीं भरा करेगी, इसलिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस शोबे की तरफ, ज़राअत की तरफ ध्यान देना होगा। पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम 36,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एग्रीकल्चर लैंड है जो कि बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो हमारी ऐसी जरखेज ज़मीन जिसके ऊपर क्रॉप लग रही होनी चाहिए 20-22 करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए, उनके पेट भरने के लिए, वहाँ हाउसिंग स्कीमें खड़ी होती हुई हम लोगों को नजर आ रही हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन का एक जो है वो अप्रूव किया लोन पंजाब के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन क्या ये कोई फ़र्क डाल सकेगी, बिलखसूस एक ऐसी शोबे के अंदर जो कि तकरीबन पाकिस्तान की GDP का 25% है। पिछले कुछ अरसे के अंदर हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की कुछ अहम क्रॉप्स के अंदर कुछ कमी आई, उनकी पैदावार के अंदर कमी आई, वीट के अंदर तकरीबन 10% कमी आई है, आम जिसके बारे में हम बड़े फख्र से पूरी दुनिया के अंदर उस जिसको एक्सपोर्ट भी करते हैं उसके अंदर 30-40% की कमी आई है। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि पाकिस्तान की ज़रात को बड़े बुरे तरीके से मुतासर कर रही है। किसी ज़माने में अपने घी और तेल के ऊपर इन्हसार करने वाला पाकिस्तान अब मलेशिया से पाम ऑयल मंगवा रहा है और उसको भी इंपोर्ट बिल के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ हमारी दालें भी इम्पोर्ट हो रही हैं, यानी जिस खाने को एक गरीब आदमी की मेज़ की जीनत कहा जाता है वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही डॉलर ऊपर जाता है वैसे ही दालों की कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। क्या खुद इन्हसारी की तरफ आने के लिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा? चाय हम बेशुमार पीते हैं जिसके बारे में अभी कुछ अर्से पहले एहसन इकबाल साहब ने कहा, भी बड़ा कंट्रोवर्सी भी बनी, लेकिन हम खुद पैदा कर सकते हैं लेकिन हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट बिल को बढ़ा रहे हैं। 48% हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखती है। ये ऐसा शोभा नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सकता है कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे गंदम भी और चीनी भी, और आपकी हुकूमत में दोनों ही हम लोगों को इम्पोर्ट करनी पड़ गई, महंगे दामों इम्पोर्ट करनी पड़ गई। हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि कोई बफर होना चाहिए जो कि हमारे अगर मामलात गड़बड़ भी हो जाते हैं, अगर कोई शॉर्टेज भी हो जाती है तो फिर भी हमारे पास वो बफर पड़ा हो ताकि वो इस्तेमाल किया जा सके और हबड़ दबड़ के अंदर एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट ना करनी पड़े चीज़ें। कि हम अपनी ज़मीन और अपने से मिलती हुई जुलती ज़मीनों का ज़रा कंपेरिजन करते हैं, इंडिया की तरफ जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, थोड़ा इधर भी चले जाते हैं, अफगानिस्तान की तरफ भी चले जाते हैं, हमारी पर एकड़ यील्ड के अंदर और बाकी मुमालिक की पर एकड़ यील्ड के अंदर बड़ा डिफरेंस है। ये क्यों है? एक ही एकड़ के ऊपर वो कई ज़्यादा गुना हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं चीज़ें और हम जो है हमारी यहाँ फसल भुस जाती है अक्सर। हमारे यहाँ मसला यील्ड का है जो आपने आइडेंटिफाई किया है। हमारे यहाँ 60% जो फार्म लैंड है वो है 25 एकड़ से कम वाले का, जिसके पास 25 एकड़ से कम जमीन है वो 60% है। उसकी यील्ड आप कंपेयर करें उससे जिसके पास 200 एकड़ है या 100 एकड़ है या ज्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर है। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ प्रोग्रेसिव फार्मर विद लार्जर लैंड होल्डिंग, ये नॉट नेसेसरीली ट्रू, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें एड्रेस करना है। अगर एग्रीकल्चर में हमने सेल्फ सफिशियंट होना है, जिस तरह आप बता रही थी कि हम तो वीट में सेल्फ सफिशियंट हो गए थे, हम अब इंपोर्ट कर रहे हैं वीट, जो मेन जो हमारे लिए धचका है कि वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं दोबारा से, हम वी आर गोइंग पीछे हम चले गए। अब ये प्रॉब्लम, और फिर आप जब क्रॉस कंट्री एनालिसिस आपने कहा देखे तो सबसे सक्सेसफुल केस हमारे पास दुनिया में चाइना का है। 1979 में इन्होंने रिफॉर्म शुरू किया, 79 से 1984 जो पहले 5 साल थे उसमें उनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 7.5% सालाना थी, सालाना 7.5% थी। हम यहाँ 3-3.5 का तो टारगेट रखते हैं, वो कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन 7.5 थी। तब जाके उसने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया, एग्रीकल्चर को ग्रो किए बगैर नहीं हो सकता। और 3 चीजें चाइना से हमें जो सीखने की जरूरत है और जो हमारे लिए भी रेलिवेंट है और एप्लीकेबल है, वो नंबर एक, जैसे डॉक्टर परवेज साहब ने भी कहा, इकरार साहब ने भी कहा, इनपुट क्वालिटी सही मिक्स। हमारे यहाँ पे छोटा फार्मर मिक्स ही सही चीज लगा ही नहीं रहा सही टाइम पे। वो तो ये टाइम कौन बताएगा? I'm sorry, I'm cutting you short. ये फार्मर को टाइम बताना कि उसने किस टाइम पर क्या करना है, एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये किसकी जिम्मेदारी है?
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, और हमारे पास है फरसुदा मॉडल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, जहां पे एक बंदा जाता है, बंदे को बताता है। हमारे पास देखें 82 लाख फार्मर फार्म्स हैं 2010 के सेंसस के मुताबिक। आज अगर सेंसस होगा तो इससे कहीं ज्यादा होंगे। आपको कितना बंदा चाहिए जाके उसको मैनेज करना, उसकी वो क्वालिटी क्या जाके बता रहा है। इसलिए हमें डिजिटल फॉर्म पे जाना चाहिए आज। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे थे पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट जर्नलिस्ट की पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके लिए अब कैसे मतलब दुनिया भर के देशों से मदद आ रही। इवन मैं आपको बताता हूँ, फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था कि फ्रांस का जो एम्बेसडर है अगर पाकिस्तान में आ जाता तो उसको मार दिया जाता, लेकिन फ्रांस ने भी ट्वीट किया पाकिस्तान के लिए, जिसके बाद पाकिस्तान के करंट पीएम शहबाज शरीफ ने उस ट्वीट का जवाब देते हुए उनको धन्यवाद बोला और जो भी मदद की उसके लिए धन्यवाद बोला। सभी देश जितना हो सक रहा है उतनी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ट्वीट किया है और मोदी जी ने भी मदद का कुछ वादा किया है, बट प्रॉब्लम ये है कि भारत की जो मदद है क्या वो पाकिस्तान स्वीकार करेगा, ये है प्रॉब्लम। क्या मदद भारत की स्वीकार करेगा? मुझे नहीं लगता कि करेगा, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ करंट पीएम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी से मदद स्वीकार करते और आने वाले इलेक्शन में इमरान खान तो वैसे ही पागल हुआ पड़ा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके के कुछ हालात हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अगर वो वीडियोज़ देखें आप फ्लड्स के और जो भी सिचुएशन बनी है वो वीडियोज़ देखेंगे तो आपको भी लगेगा अरे यार छोटे छोटे बच्चे, मतलब गरीबी लोग मरते ना यार, मरते तो जो बस्ती कहाँ बस्ती, मतलब गरीब लोगों की बस्ती बसेगी कहाँ पे, ऐसे एरिया में जो नीचे हैं नदी के किनारे हैं या नाले के ऊपर हैं वहाँ पर कौन रहता है, आपको भी पता है रीज़न। और ये बाढ़ वगैरह क्यों आ रही है पाकिस्तान में डैम वैम बनाए नहीं है इन लोगों ने। इंडिया को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं इस बार ये लोग, इनको पता है कि इनकी खुद की गलती है। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा सीन होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले बोलता है कि इंडिया ने डैम से पानी छोड़ दिया, बट चिनाव नदी में जो बाढ़ आई है उसमें इंडिया डैम बना ही नहीं सकता, तो जो पानी है वो अनलिमिटेड आ रहा है उसका भारत ना रोक सकता है। भारत अगर ऐसा है कि मतलब बता देता है कि भाई ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे भी बाढ़ आई है तो इसमें पानी है, तो ऐसा कुछ बता सकता है, लेकिन भारत पानी वहाँ पे रोक ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान को इस बार रियलिटी पता है, पाकिस्तानी खुद नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा किया है। तो पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं मर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। बहुत सारे लोग मरे, काउंटिंग में तो शायद 2 या 3 हज़ार बता रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मरे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है।